नियोजन की मांग को लेकर पर्वतपुर कोल ब्लॉक में मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना 43वें दिन भी रही जारी। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्य गेट पर जड़ेंगे ताला। नियोजन के मांग को लेकर पर्वतपुर कोल ब्लॉक में रजत मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना 43वें दिन भी रहा जारी। रैयत मजदूरों ने कहा कि विगत 5 वर्षों से आर्थिक रूप से तंग आ चुके हैं, अब आश्वासन का झांसा और इंतजार नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मजदूरों ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन को कोल ब्लॉक संचालन का दायित्व मिला है, कंपनी का स्वागत है, परंतु कोल ब्लॉक टेक ओवर और मजदूरों का टेक ओवर साथ साथ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीण टेक ओवर का विरोध करेंगे तथा कंपनी के मुख्य गेट पर ताला जड़कर पुरजोर विरोध किया जाएगा। रैयत मजदूर अनिश्चितकालीन धरना देकर अपनी मांग से अवगत करा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आर पार की लड़ाई व सामूहिक आत्मदाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पूर्व कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी द्वारा आंदोलनकारियों का समर्थन किया गया था। मौके पर अनिल दसौंधी, सीबू दसौंधी, अकलू महतो, धीरेन महतो, मनसुराई नौरंजन सहीस, लखीराम महतो, शिव प्रसाद इत्यादि उपस्थित थे। सोना न्यूज चंदन कियारी से ब्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। पर्वतपुर कोल ब्लॉक के समक्ष 43 दिन धरना हुए, लेकिन आज तक ना हम लोग का प्रशासन देख रेख में है, ना हम लोग का बीसीसीएल का कोई भी अधिकारी। 43 दिन धरना में बैठे हुए हैं लेकिन इसका कुछ नहीं। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन ना प्रशासन ध्यान दे रहे हैं ना बीसीसीएल के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह यदि नहीं ध्यान दे रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग अगर यदि ये ध्यान अगर नहीं देंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और ये बाध्य हो जाएंगे कि ये गेट में हम लोग ताला मारने का कगार पर पहुंच चुके हैं। हम लोग भूखे प्यासे, किसी का घर में अनाज नहीं है, आज 5 साल से हम लोग बेरोजगार में बैठे हुए हैं, हम लोग भूखे के कगार पर है। अगर यदि प्रशासन हम लोग का एक सप्ताह के अंदर ये निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या निर्णय नहीं लेगी? अगर हम लोग का ये नौकरी का नियोजन का हम लोग का नियोजन अगर यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और गेट में जाके हम लोग ताला मारेंगे।